मुजफ्फरपुर पुलिस ने लूटकांड में पकड़े गए अपराधियों की निशानदेही पर तीन अन्य अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास एक देसी राइफल और तीन कारतूस भी बरामद किया गया। अपराधियों की पहचान वार्ड सदस्य फुलेश्वर सहनी, संतोष साह और शिवशंकर साह के रूप में हुई है। घटना जिले के कटरा थाना क्षेत्र स्थित धनौर गांव की है। पुलिस ने बताया कि जल्दी इस गिरोह के अन्य सदस्य को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कटरा थाना क्षेत्र अंतर्गत धनौर गांव से एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है। उक्त कांड में तीन आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। एक मास्केट राइफल है वो भी बरामद हुआ है। तीन राउंड जिंदा गोलियां भी मिली हैं। पूरे मामले की हम लोग जांच कर रहे हैं और जो भी चैनल है इनका, जो भी चेन है, उस चेन को खंगालने का प्रयास कर रहे हैं कि ये प्रोहिबिटेड वेपन इनके पास कहाँ से है, किन सूत्रों के जरिए। मोतिहारी के ढाका थाना में पदस्थापित दारोगा शंभू यादव को SP नवीन चंद्र झा ने निलंबित कर दिया है। दरअसल बीते दिनों दारोगा की एक तस्वीर वायरल हुई थी। उस तस्वीर में कथित रूप से एक युवती और युवक को अपनी सर्विस रिवॉल्वर देकर उसके साथ दारोगा ने अपनी तस्वीर भी खिंचाई थी। बेतिया के संत घाट में एक गैस गोदाम में भीषण आग लगी। आग लगने से गोदाम में रखे सिलेंडर भी इसकी चपेट में आ गए और एक एक कर जोरदार धमाके के साथ सिलेंडर फटने लगे। लोगों के मुताबिक लगातार 50 सिलेंडर फटे हैं, जिससे माहौल काफी भयावह हो गया। विस्फोट की आवाज से आसपास के लोग काफी भयभीत हो गए और लोग अपने घरों से निकलकर बाहर की तरफ भागने लगे। आग इतनी तेज लगी थी कि दूर से ही उसकी लपटें साफ तौर पर नजर आ रही थी। आग की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गोदाम के पास से गुजरने वाले सड़क भी तपिश से पिघल गई। घटना की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाया। इस मामले में जिलाधिकारी कुनंद कुमार ने बताया कि दमकल और प्रशासन की टीम मौके पर तैनात है और फिलहाल किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। तो उस समय लगभग 12:15 के लगभग भी ये पता चला कि यहाँ पे जो है आग लगी है संत घाट के पास, और उसमें बताया गया कि कहीं गैस का गोडाउन है उसमें लगी है, और हर 5-10 मिनट में एक जो है ब्लास्ट की भी आवाज़ आ रही है। तत्काल हम लोगों ने सारे जितने भी हमारे आपदा से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं और जितने पदाधिकारीगण हैं सबको एक्टिवेट किया गया, और फायर ब्रिगेड जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत। तो बेतिया से ये खबर आप देख रहे हैं, जहां पर एक के बाद एक लगातार 50 सिलेंडर फटता है और जो धमाका होता है इलाके में सनसनी फैल जाती है। लोग अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं ये देखने के लिए आखिर बाहर चल क्या रहा है। हालांकि मौके पर दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो धमाका हो रहा है उसकी जो तस्वीर है कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, बिल्कुल भयावह कर देने वाली तस्वीर आंखों के सामने। ये जो मंजर दिखा है वाकई में हैरान कर देने वाला है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चूक और बहुत बड़ी लापरवाही का नतीजा है कि गोदाम में रखे एक से एक लगातार 50 सिलेंडर जो है वो फटा। हालांकि इस पूरे घटने में किसी तरह के जो हताहत होने की जो सूचना है वो नहीं मिली है। मौके पर दमकल की विभाग की गाड़ियां पहुंची और पूरी टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और जो तस्वीरें बिल्कुल दिल दहला देने वाली। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की जो सूचना है वो नहीं रही।